अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त के साथ मिलवाते हैं, जो कि नए आने वाले जो दुबई, नेपाल या पाकिस्तान से बाइक राइडर के सिलसिले में दुबई आते हैं, उनके लिए बहुत ही आपको सीखने की बातें मिलेंगी। अगर आप जॉबलेस हैं तो ये आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अस्लान जद्दड़ है। कितनी देर से आप दुबई में हैं और क्या काम करते हैं यहाँ पे? सर मैं जहाँ से 5 साल में हूँ दुबई से, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप। अच्छा, तो सर मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहेंगे कि आप कितनी देर से दुबई में हैं और ये जो आपके पास अभी दुबई में फेम है, जो आपका नाम है एक अरसलान चद्दर, उसके पीछे क्या राज है? कितनी देर हो गई आपको एज अ बाइक राइडर और बाइक राइडर से अब एज अ कॉन्ट्रैक्टर, इसका सफ़र क्या है? सर सबसे पहले जब मैं 2015 में आया था दुबई में, तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था, 600-700 रुपया सैलरी होती थी। उसके बाद मतलब कज़न दोस्त वगैरह थे जो यहाँ पे डिलीवरी का काम करते थे, उन लोगों ने बोला कि इसी तरह लाइसेंस लो, अच्छा है, तो फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। कुछ दोस्त और कज़नों ने भी हेल्प की। तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने में मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल लगा। वैसे लोग 1 मंथ में, 3 मंथ में मैक्सिमम ले लेते हैं, लेकिन मैंने एमरेट्स कसेस ड्राइविंग स्टैंड से लाइसेंस लिया था। वहाँ पे क्या है कि जब तक आप बिल्कुल 100% सही नहीं बाइक चलाते, आपको फेल कर देना। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने लाइसेंस लेने के बाद ज़ोमैटो का एक सीनियर सुपरवाइज़र, इसके पीछे क्या राज है? कितना टाइम लगा आपको ज़ोमैटो में सुपरवाइज़र बनने के लिए? इसके लिए मुझे 4.5 साल लगे हैं। तो जब मैंने लाइसेंस लिया था तो सबसे पहले मैंने जेजे चिकन ज्वाइन की थी। जेजे चिकन के बाद मैंने फ्रीडम पिज़्ज़ा में काम किया, ठीक है, फ्रीडम पिज़्ज़ा के बाद मैंने स्वेश फार्मा में किया, शामी गोरमे में किया, येलो कैब में किया, और उसके बाद मैंने मैकडोनल्ड पे काम किया। मैकडोनल्ड में काम करने के बाद फिर मैंने एक रेड रोस्टर, अभी अलसफरा तुर्केश रेस्टोरेंट के नाम से मशहूर है अलबर्शा में, वहाँ पर काम किया था मैंने। तो मार्केट की हालत अच्छी नहीं थी, तो जॉब वगैरह जो थी वो चली गई थी, तो जब ज़ोमैटो आई है काफ़ी राइडर्स को जॉब मिली। अच्छा, तो चद्दर साहब मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपके लाइसेंस लेने के बाद और सुपरवाइज़र बनने तक कितनी देर का सफ़र था और क्या आपने क्या मुश्किलों का सामना किया यहाँ तक पहुँचते? सर 4 साल का सफ़र, मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया है एज ए बाइक राइडर्स। उसके बाद ज़ोमैटो नहीं ओपन हुई, आया 2 मंथ काम किया, उसके बाद सुपरवाइज़र में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो कितना अरसा आपने ऐसा सुपरवाइज़र काम किया और क्या एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पे? वहाँ पर मैंने तकरीबन 3 साल एज सुपरवाइज़र काम किया है। तो बहुत डिफिकल्ट मतलब आती हैं फील्ड पे, ग्राउंड में राइडर्स को देखना पड़ता है, उनके जो इश्यूज होते हैं रेस्टोरेंट पे जाके वो सॉल्व करने पड़ते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के केसेस होते हैं। तो मतलब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये मतलब जो लोग कहते हैं, ये जो मैं भी था तो मैं भी ये कहता था जो ऊपर बैठा है ये वैसे ही है, ऐसे ही है, मतलब इनको कोई काम नहीं होता। तो मतलब इसमें कोई ड्यूटी की लिमिट नहीं होती कि आपकी 8 घंटे ड्यूटी है या 10 घंटे है या 12 घंटे है। आपको कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है, कभी भी किसी वक्त सुपरवाइज़र में आपको जाना पड़ सकता है। अभी रात को ही सोचता होता कि 2-2, 3-3 बजे भी जाता था, और पिटलों में जाना, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जो भी होते थे। इस इंटरव्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आपसे बात करने का मौका मिला, अगर दुबई में कुछ राइडर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है लेकिन जॉब नहीं है, और वो लोग जो पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं, इंडिया नेपाल से यहाँ पे आना चाहते हैं एज अ बाइक राइडर, उनके लिए कुछ पैगाम? सर जो यहाँ पे तो काम करते हैं अभी, उनके पास लाइसेंस है और जॉब लेस हैं, जॉब वगैरह नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के साथ कि आप मेरा यहाँ पे नंबर मेंशन कर दें, ठीक है, 050-786-3420। उसके बाद मेरा ई मेल एड्रेस है zuaesdschadar@gmail.com। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान इंडिया से कुछ लोग अगर आना चाहिए, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे कैसे वो आ सकते हैं आसानी से, जो उनको मुश्किलात ना हो, क्योंकि इन दिनों में, पिछले दिनों में काफ़ी ऐसे वाकयात थे जो कि पैसे दे के वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन आगे आके फ्रॉड होता है, तो आप उनके लिए कुछ मुफीद मशवरा जो कि यहाँ पर आके अपने पैसे जो लगा के आए हैं वीज़े के, वो पैसे पूरे कर सकें।
सर ये तो मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे भाई यहाँ पे आते हैं वो पहले कन्फर्म नहीं करते, ठीक है, पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाते हैं, वीज़ा पकड़ लिया, तो भी मतलब कहना चाहूँगी ख़ास तौर पर ये जो हमारे सहकी भाई हैं, ठीक है, पहले आप पूरी डिटेल्स दिया करें क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब लीगल काम होते हैं वो आप लोगों के हिसाब से ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो पहले अच्छी इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आप उस काम में हाथ नहीं डाले, अगर आपने यहाँ पे आना है पहले इन्फॉर्मेशन लें, भाई यार मैं इस काम में आना चाहता हूँ किसी दोस्त वगैरह से या किसी कंपनी से डिटेल लें तो मेरा कितना खर्चा आएगा, क्या काम होगा, मुझे किस तरह जॉब मिलेगी, तो अभी इस तरह भी होता है कि ठीक है जी भाई आप आ जाओ हम आपको इतने पैसे देंगे ये है वो है, और जब यहाँ पे हल्काता है तो वो चीज़ नहीं होती, फिर वो आप लोग बोलते हैं जी मैं यहाँ पे आ गया फंस गया ये है वो है कोई। अगर आप कोई राइडर पाकिस्तान इंडिया या नेपाल से बुलवाते हैं, ऐसा राइडर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उनके लिए कुछ पैगाम, कितने पैसे वो अरेंज करें तो दुबई में आके ये बाइक राइडर की जॉब कर सकते हैं? सर इसमें यही है कि अगर राइडर ने डायरेक्ट आना है यहाँ पे तो मतलब इस तरह भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह यहाँ पे मतलब बहुत पैसे ज़्यादा लेते हैं, आप इस आसान से काम है आप अपना आज़ाद वीज़ा पकड़ें, ठीक है, जो बंदा आपको जानता है अच्छे तरीके से उससे भाई उसको बोलो भाई मुझे वीज़ा चाहिए मुझे वीज़ा दे के दे, अब उसको पता है यहाँ पे जो यहाँ पे रह रहा है कि यार वो आप डिटेल देगा कि कौन से स्कूल से कहाँ से लाइसेंस मुझे जल्दी मिलेगा और कितना सस्ते में मिलेगा, बेटर यही है कि आप अपना आज़ाद वीज़ा पकड़ें, आज़ाद वीज़ा पकड़ के अपना लाइसेंस लें, लाइसेंस के बाद इंशाल्लाह जॉब आसानी से मिल जाती है, और ये जो कंपनियों में आप लोग आते हैं 800-1200 आप लोगों की तनख्वाह होती है, साथ 200 साल कंपनियाँ जो हैं वो लाइसेंस के लिए पेपर्स नहीं देती, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रूल भी ख़त्म हो गया है, अभी तो लेबर वाले जो हैं वो भी फाइल ओपन करवा सकते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी मतलब यूएई वाले ने किया है सब कि जो लेबर में है मतलब बहुत अच्छा किया है ये हर किसी को, क्योंकि कुछ कंपनियाँ जो लाइसेंस के लिए पेपर नहीं देती थी अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अभी कोई भी इस तरह मतलब यहाँ पे नहीं है कि आप फाइल ओपन नहीं करवा सकते लेबर में, वो ये वो भी आप करवा सकते हैं। चंदा साहब कोई आपका पैगाम राइडर्स के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आजकल फाइन भी आते हैं रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ पैगाम आपका? सर भाई जो है अपना जान से चलाएं, यूएई के रूल को फॉलो करें, ठीक है, अभी कभी आप अगर ब्रिज वगैरह पे हों, ठीक है, तो सेंटर नहीं छोड़ें, ट्रैक का जो सेंटर होता है उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ें, ठीक है, सिग्नल जो रेड सिग्नल आप क्रॉस करते हैं वो नहीं किया करें, जो जी आप गलत ओवरटेक करते हैं ये गाड़ियों के बीच में घुसते हैं ये नहीं गुस्सा करें, इस चीज़ की वजह से आप लोगों की एक छोटी सी जिंदगी की वजह से आप लोग आप एक बंदे की लाइफ जाती है तो पीछे जो आप एक ही वजह से 10 बंदे आसान से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो मुश्किल में आ जाते हैं, कम अज़ कम आप अपना नहीं तो अपने घर वालों का ही ख्याल कर लिया करें, तो प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड किया करें, यही पैगाम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आपका, आपके टाइम का बहुत शुक्रगुजार, उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो देखेगा उसके लिए कुछ अच्छा पैगाम हो सक जाएगा, थैंक यू सो मच सर।